नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज दोस्तों मंगलवार है और आज है तीसरी नवरात्रि। आज माता चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा होगी। आज माता रानी को हलवे या खीर का प्रसाद अर्पित करना चाहिए। आज के दिन हलवा या खीर माता रानी को अर्पित करने से व्यक्ति की तमाम इच्छाएं, कोई भी इंसान उसकी तमाम इच्छाएं पूरी होती है। आज के दिन गाय माता को भी खीर जरूर खिलाना चाहिए। आप देखेंगे आपकी कोई भी इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। माता चंद्र घंटा की आपके ऊपर कृपा बरसती रहेगी। दोस्तों आज के दिन एक छोटा सा काम करें, जिनके लंबे समय से काम अधूरे हैं, काम पूरे नहीं हो रहे हैं। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बहुत अच्छी चीज मैंने इंट्रोड्यूस की है, लंबे समय से जिनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, वो ये मैजिक बॉक्स जरूर मंगवाएं। इसमें चारों तरफ वो तमाम साइन दिए हुए हैं जो आपकी इच्छा पूरी करते हैं। इसका यूज करने से पहले इसको करंट किया जाता है। इस बॉक्स को हमारे यहाँ से आपको करंट किया हुआ ही मिलेगा। इसको जो रेकी के जो पावरफुल शब्द है, जैसे हम ओम बोलते हैं, ओम की शक्ति जागृत होती है, ऐसे इसमें रेकी की शक्ति को जागृत किया जाता है। ये रेकी बॉक्स भी है। इसके अंदर जैसे कोई भी नंबर है, अचानक धन प्राप्ति का या किस कोई भी इच्छा पूर्ति का, इसके अंदर आप उस नंबर को लिख करके कागज इसके अंदर रख दे, 3 दिन में आपका ये काम कर देता है। कोई भी आपकी इच्छा है उस इच्छा को लिख करके इसके अंदर रखें, ये बॉक्स तुरंत आपका काम करता है। बहुत बढ़िया बॉक्स है। जरूर जिनकी लंबे समय से इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, आप इसका हमेशा यूज कर सकते हैं। एक बार नहीं, एक बार आपने इसको मंगवाया मतलब लाइफ टाइम आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा, आज के दिन 1.25 किलो गुड़ लेकर के जाएं। गुड़ पर थोड़ी सी हल्दी लगा दें और उसको किसी पात्र में रख करके लेकर के जाएं। जा करके जहाँ पर भी माँ दुर्गा का मंदिर हो, महाकाली माता का मंदिर हो, वहाँ जा करके वो गुड़ रख दें। अगर आपको माता रानी का मंदिर नहीं मिलता है तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आज के दिन 1.25 किलो गुड़ रख दें और अपनी इच्छा बोलें। माता रानी के मंदिर में गए तो वहां पर भी 9 बार आप माता रानी के सामने खड़े होकर के अपनी इच्छा बोलें और उन्हें 1.25 किलो गुड़ अर्पित कर दें। आप देखेंगे आपकी कैसी भी इच्छा है बहुत जल्दी पूरी होगी। आज मैं करके देखें। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जय श्री कृष्ण।